माइनक्राफ्ट का एक ऐसा डॉग जो कि एंडर ड्रैगन से इन्फेक्ट हो गया और अब वो बहुत ज्यादा ही बुरा बन चुका है, या फिर एक ऐसा आर्मर जिसे आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। और ऐसे ही कुछ खतरनाक माइनक्राफ्ट के सीक्रेट्स के ऊपर से आज हम पर्दाफाश कर देंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स बिगिन। आप जाते हो रात में केव के अंदर माइनिंग करने के लिए और आपका प्लेयर 2-3 दिन से सो भी नहीं रखा है और लगातार माइनक्राफ्ट के अंदर काम कर रहा है। और जैसे ही आप उस रात के अंधेरे में बाहर निकलते हो, आपके ऊपर एकदम हमला होता है कुछ ऐसे मॉब्स के द्वारा जिनकी आंखें एकदम ग्रीन होती है, और उन उड़ने वाले ऐसे मॉब्स को हम लोग फैंटम्स कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये फैंटम्स होते क्या है भला, और ये फैंटम्स प्लेयर पर अटैक क्यों करते हैं, और ये हमें जब भी क्यों दिखते हैं जब प्लेयर हमारा 2-3 दिन के लिए सोता नहीं है। तो देखो, जब भी प्लेयर हमारा 2-3 दिन के लिए सोता नहीं और वो लगातार काम करता है तो वो बिल्कुल एकदम थक जाता है और उसको ऐसे सपने आने लग जाते हैं। जी हाँ, ऐसे सपने जहाँ पर उस पे कोई मॉब अटैक करता है। आपको सुन के ये बहुत ज्यादा वियर्ड लगेगा, लेकिन फैंटम कोई रियल मॉब नहीं बल्कि एक घोस्ट होता है। इवन फैंटम नाम का मतलब ही यहाँ पे घोस्ट है। जी हाँ, जब भी प्लेयर हमारा कुछ दिनों के लिए सोता नहीं है तो अपने में वो एक इमेजिनेशन बना लेता है, और फिर हमें इन फैंटम से बचने के लिए प्लेयर को वापस सुलाना पड़ता है ताकि वो सारी अपनी थकान उतार सके और अगली सुबह काम करने के लिए तैयार हो जाए। माइनक्राफ्ट में हम लोग यार पिटते ही रहते हैं, और हमारा आर्मर हमारी यार काफी ज्यादा हेल्प करता है। पूरा आर्मर पहन के रखो, एकदम मस्त वाली आपको प्रोटेक्शन देगा ये। लेकिन यार ऐसे आर्मर से आप बिल्कुल दूर रहना। सोच रहे हो ना आप भी, ये क्या दिखा दिया भला? तो ये है एक ब्लड आर्मर, एक ऐसा आर्मर जो कि पूरा रेड कलर का होता है और उसको ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस आर्मर को पहली बार इस वाली स्क्रीनशॉट में देखा गया था, आप लोग साफ साफ इन्वेंटरी में देख सकते हैं। ये कोई नॉर्मल आर्मर नहीं बल्कि एक रेड कलर का ब्लड आर्मर है, और इस वाले ब्लड आर्मर को पहनने से ऐसा कुछ खास होता नहीं है। वैसे इसको एक बार पहन लो तो आप इसको निकाल ही नहीं पाओगे, और माइनक्राफ्ट के सारे अंडेड मॉब्स मतलब ज़ॉम्बी हस्क, ज़ॉम्बी फाइट पिगलिन, ये सारे मॉब्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। और इस ब्लड आर्मर को पहनकर अगर आप भागते हो तो आपके हंगर बार भी बहुत ज्यादा जल्दी कम होंगे, और लाइटिंग आपके ऊपर गिरने के भी चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इस वाले स्क्रीनशॉट में सच में ऐसा कोई आर्मर है या फिर कोई रेड डाई करा हुआ लेदर आर्मर, ये डिसाइड आप ही कर लो। मैं तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं बनाने वाला, अपना नेदरराइट वाले आर्मर सबसे बढ़िया यार। 1.20 में माइनक्राफ्ट में बिल्कुल एकदम न्यू मॉब आया है, ये स्निफर, जो कि दिखने में काफी ज्यादा मोटू सा है और ये पता नहीं क्यों ऐसे जमीन सूंघता रहता है। मुझे तो ये मॉब काफी ज्यादा क्यूट ही लगता है, मोटू स्निफर। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का मानना है कि स्निफर नेदर से आया ओवरवर्ल्ड के अंदर। सुनने में तो यार बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, इवन हमारे पास ऐसा कुछ खास सबूत भी नहीं है। जैसे कि अगर हम इसको पोर्टल के पास खड़ा कर देते हैं तो ये आलसी की तरह ही खड़ा रहता है, मतलब हिलता नहीं है, और पोर्टल की तरफ तो ये बिल्कुल भी नहीं जाता है। लेकिन हमारे इस खतरनाक नेदर के अंदर काफी सारे फॉसिल्स होते हैं जिनका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि भला ये किसके फॉसिल्स हैं। कुछ फॉसिल्स देखो ऐसे दिखते हैं और कुछ फॉसिल्स यहाँ पे काफी ज्यादा बड़े होते हैं। लेकिन अगर ये वाले 2-3 फॉसिल्स को हम मिला देते हैं तो सामने एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है जो कि बिल्कुल एक स्निफर जैसा लगता है। इसका यहाँ पे चेहरा भी एकदम स्निफर जैसा है और ये बड़ा सा कंकाल स्निफर की बॉडी जैसा दिखता है। लेकिन इस बात को तो मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकता कि स्निफर नेदर से आया होगा, क्योंकि देखो यार इसके अंडे यहाँ पे ओवरवर्ल्ड में मिलते हैं हमें, जिसमें से ये क्यूट क्यूट से बेबी स्निफर निकलते हैं। तो सुमारी कोनो आचन स्नुफु वातोतम आरिशितो आओ पोदादासु। आपको समझ नहीं आया ना मैंने क्या बोल दिया? मैं भाई आजकल डुओलिंगो से जापानी सीख रहा हूँ। मैंने रिसेंटली डुओलिंगो डाउनलोड करा है, यहाँ से मैंने यार जापानी सीखना स्टार्ट करा है, और बहुत ज्यादा सिंपल है यहाँ पे कोई भी नई लैंग्वेज सीखना। डुओलिंगो वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। इस पर आप 40+ लैंग्वेजेस सीख सकते हो, जैसे हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, बहुत सारी लैंग्वेजेस है यहाँ पे, वो भी बिल्कुल फ्री। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश सीख के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे सिर्फ यहाँ पे दिन में 10 मिनट निकाल के प्रैक्टिस करनी होगी। मैं आपको एक बार खेल के दिखाता हूँ। तो इस वाले वर्ड को हमें ट्रांसलेट करना है, तो ऑब्वियसली घर को हम हाउस कहते हैं, और इसे हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो माई हाउस इज बिग का हो गया, मेरा घर बड़ा है। देखा गाइस कितना ज्यादा सिंपल इस ऐप को यूज करना और नई लैंग्वेज सीखना। और हाँ, डुओलिंगो आपको डेली रिमाइंडर भी भेजता है ताकि आप अपनी यार आदत बना सको और अपनी लैंग्वेज यार इजीली सीख सको। तो यार जाओ फटाफट से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट से जाकर डुओलिंगो डाउनलोड करो और नई नई लैंग्वेजेस सीखो। वैसे तो माइनक्राफ्ट में विलेजर्स सारे मिलजुल कर रहते हैं, सारे यहाँ पे अलग अलग काम करते हैं, कोई फार्मर हो गया या फिर कोई फिशरमैन ही हो गया। लेकिन एक ऐसा विलेजर है जो कि इस विलेज से काफी ज्यादा दूर रहता है और उसका मन सिर्फ ब्लैक मैजिक करने में लगता है, और उसको दूसरों को परेशान करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है इस विच की। एंड ये बात तो आपको शायद ही पता होगी कि ये विच भी पहले एक विलेजर थी, लेकिन कोई ऐसी वैसी नॉर्मल विलेजर नहीं बल्कि एक शातिर क्लर्क विलेजर जिसको सारे माइनक्राफ्ट के पोशन बनाने आते थे। लेकिन सारे विलेजर्स को इसका काम करने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था,
क्योंकि हमेशा इन विलेजर्स को परेशान करता था, इसलिए सारे विलेजर्स ने इसको विलेज से निकाल दिया। और अभी अकेले अपने हट में ही रहती है और अभी भी इसको पोषण बनाना काफी ज्यादा पसंद है। ये दिखने में भी एकदम विलेजर्स जैसी होती है, और जैसे यहाँ पे नॉर्मल विलेजर्स को कैट पालना बहुत पसंद है, वैसे इसको एक ब्लैक कैट पालना बहुत पसंद है। इवन एक विच हट में सिर्फ ब्लैक कलर की कैट स्पॉन होती है। माइनक्राफ्ट के अंदर अगर आप किसी घने जंगल में जाते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ही मस्त मस्त वाले मॉब दिख जाएंगे, और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पे मिलते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं दिखेंगे। ये जंगल पिरामिड दिखने में तो काफी ज्यादा ही अजीब होता है, और मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि स्ट्रक्चर को भला किसने और क्यों बनाया होगा, वो भी जंगल के एकदम बीचों बीच। और जब हम लोग जंगल टेम्पल के अंदर जाते हैं तो हमें हर कदम एकदम ध्यान से रखना पड़ता है, थोड़ी भी अगर आप यहाँ पे गलती करते हो तो आपकी बैंड बढ़ सकती है। और आखिरी में आपको ऐसी चेस्ट मिलती है जिसमें दुनिया का सबसे ज्यादा घटिया खजाना होता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है, यहाँ पे एक सीक्रेट चेस्ट भी होता है जिसके अंदर बहुत अच्छा खजाना मिलता है, अच्छा खजाना जैसे गोल्ड, एमरल्ड, आयरन, फ्लैश और बोन्स। जी हाँ, ये पिरामिड कोई यहाँ पे लूटने की जगह नहीं है, बल्कि पिरामिड की इस चेस्ट में एक बॉडी को रखा जाता है जिसको कोई भी ढूंढ ना पाए इस पूरे जंगल के अंदर, और कोई अगर गलती से ढूंढ भी ले तो वो इस ट्रैप में फंस जाए। लेकिन भला ये बॉडी किसकी हो सकती है, शायद किसी जंगल विलेजर की, क्योंकि जंगल में आपको एक भी विलेजर नहीं दिखता, या फिर ये जंगल के एक राजा की हो सकती है क्योंकि यहाँ पे बोन्स और फ्लैश के साथ काफी सारा गोल्ड भी मिलता है। एंड अभी जो मैं आपको चीज बताने वाला हूँ उससे आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तो देखो, माइनक्राफ्ट के अंदर हमारे पास काफी सारे ऐसे भद्दे से मॉब्स होते हैं, मतलब कुछ मॉब्स यहाँ पे सुंदर भी दिखते हैं लेकिन यार ये कुछ मॉब्स ये बहुत ही ज्यादा बकवास होते हैं। और ये वाले मॉब्स इस वर्ल्ड को कैसे देखते हैं ये हम लोगों को पता है ऑलरेडी, जैसे कि ये हमारा हरा भरा क्रीपर, इसको ये वर्ल्ड भी ऐसा हरा हरा सा दिखता है। और ये पागल सी स्पाइडर, ये तो पूरी अंधी है सच बताऊं तो, और इसको ये वर्ल्ड ऐसा दिखता है, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा सच बताऊं तो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मॉब है, ये अपना एंडरमैन, जिसको ये वर्ल्ड व्हाइट एंड ब्लैक दिखता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके एक ऐसे विजन से एक बहुत गहरा सच हमारे सामने निकलता है, सच्चाई व्हाइट एंडरमैन की। जी हाँ, वही व्हाइट एंडरमैन जो कि नॉर्मल एंडरमैन से काफी अलग दिखता है और उसकी आंखें ग्रीन होती है। पहले मैं भी सोचता था यार ये एकदम फालतू चीज है, व्हाइट एंडरमैन भला कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि एंडरमैन इस वर्ल्ड को कुछ ऐसा दिखता है तो भाई मैं बिल्कुल हैरान हो चुका था, क्योंकि एक एंडरमैन दूसरे एंडरमैन को कुछ ऐसा देखता है, जी हाँ एकदम व्हाइट, और इसकी आंखें भी एकदम ग्रीन होती है। वुल्फ्स हमारे तो यार काफी ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं, हाँ वो बात अलग है कि वो दूसरे मॉब्स की बैंड बजा के रखते हैं, लेकिन ये सारे नॉर्मल वुल्फ दिल के यार काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, सिवाय एक ऐसे वुल्फ के जो कि दूसरे वुल्फ से काफी ज्यादा अजीब बर्ताव रखता है, और लोगों ने इसका नाम एंडर वुल्फ रखा है, और ये दिखने में काफी ज्यादा क्रीपी होता है, और इसके पीछे की कहानी आपको रुला भी सकती है। ये बात है बॉब नाम के एक प्लेयर की जिसको माइनक्राफ्ट खेलना बहुत ज्यादा पसंद था, और उसने इस वर्ल्ड में आते एक वुल्फ पाला था। बॉब जहाँ पर भी जाता था साथ में अपने वुल्फ को लेकर ही जाता था, और एक दिन उसने फाइनली गेम के खतरनाक मॉब एंडर ड्रैगन से लड़ने का सोचा, और उस दिन भी वो वुल्फ को साथ ले गया एंड डायमेंशन में, जो कि उसकी सबसे ज्यादा बड़ी भूल थी। तो उसने एंडर ड्रैगन से लड़ने का शुरू कर दिया और उस डॉगी को साइड में बिठा दिया, और वहीं पे एंडर ड्रैगन अपनी ब्रीड छोड़ता है और वुल्फ वहीं पे तड़प तड़प के मर जाता है, जिसको देख के बॉब बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो वापस घर जाता है अपने और उस डॉगी के लिए कबर बनाता है और रात को वहीं सो जाता है, और उसी रात उसी कबर में से बहुत खतरनाक आवाज आने लग जाती है। बॉब जाकर देखता है तो उसके सामने एक वुल्फ खड़ा होता है दूर, जो कि उसके नॉर्मल वुल्फ से काफी ज्यादा अलग दिख रहा था, उसकी आंखें एकदम पिंक हो चुकी थी और उसका पूरा शरीर इन्फेक्टेड हो चुका था। तो इस बंदे को तो यार हर कोई जानता है, ये सबका फेवरेट जो है, इसकी ऐसी चाल देख के भाई मुझे तो मजा आ जाता है। तो स्टीव माइनक्राफ्ट का एकदम मेन प्लेयर होता है, एंड इस बात को भला कौन नहीं जानता होगा। लेकिन स्टीव के अलावा भी माइनक्राफ्ट में एक और ऐसा प्लेयर है जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करते हैं। एलेक्स भी माइनक्राफ्ट की एकदम मेन प्लेयर होती है, वो दिखने में भला स्टीव से काफी ज्यादा अलग है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वो नेदर से आई है। यस, एलेक्स नेदर से आई है, क्योंकि इस ओवरवर्ल्ड में एलेक्स जैसा कोई भी मॉब नहीं है। लेकिन अगर हम स्टीव को ध्यान से देखें, ज़ॉम्बीज भी बिल्कुल स्टीव जैसे ही दिखते हैं, इनके कपड़े बिल्कुल सेम होते हैं, इवन हीरोब्राइन भी लगभग स्टीव जैसा दिखता है, और मेंशन का आपने ये वाला रूम तो देखा ही होगा, स्टीव जैसी स्किन भी दिखाई गई है यहाँ पे वूल से। लेकिन एलेक्स का ओवरवर्ल्ड से कोई नाता नहीं है, जैसे स्टीव ओवरवर्ल्ड में ही पैदा हुआ था और जब से यहीं पे रह रहा है, वैसे ही एलेक्स नेदर में रहती थी और उसी ने नेदर पोर्टल बनाया और ओवरवर्ल्ड का रास्ता खोला, जिसकी वजह से माइनक्राफ्ट में काफी सारी चीजें चेंज हुई, और एलेक्स को ये ओवरवर्ल्ड इतना ज्यादा पसंद आया
कि उसने वहीं रहने की ठान ली। तो ये तो आपको पता ही होगा कि माइनक्राफ्ट के अंदर ऐसे मस्त सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर जाके हम ऐसी मस्त लूट मचा देते हैं। लेकिन ये स्ट्रक्चर्स यार इतने मस्त मस्त वाले बनाए किसने, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। इन मॉब्स ने तो यार बिल्कुल नहीं बनाए होंगे, इनकी शक्ल देख के तो बिल्कुल नहीं लगता मुझे। तो क्या ये स्ट्रक्चर्स एंशिएंट बिल्डर ने बनाए होंगे? यस, एंशिएंट बिल्डर्स का नाम तो आपने पहले भी जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन सच बताऊं तो किसी को पता ही नहीं एंशिएंट बिल्डर कौन है या फिर वो कैसे दिखते हैं। वेल, सुनने में तो ये आया है कि एंशिएंट बिल्डर माइनक्राफ्ट के पूर्वजों में से कुछ लोग थे जो कि माइनक्राफ्ट के इस वर्ल्ड में रहते थे काफी टाइम पहले, और उनका सिर्फ एक ही काम था नई नई और तगड़ी तगड़ी चीजें बनाना। उन्होंने ही सारे माइनक्राफ्ट के स्ट्रक्चर्स बनाए थे और उन लोगों का ये काम बहुत ज्यादा अच्छे से करना आता था। वो दिखने में कुछ ऐसे बूढ़े और शातिर लोग थे, इवन जितने भी आज तक माइनक्राफ्ट में आप चीजें देखते हो लगभग उन्हीं के कारण बन पाई है। लेकिन अभी ये एंशिएंट बिल्डर्स यार कहीं दिखाई नहीं देते हैं ना हमें, मतलब ये वाले स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी सालों पुराने हैं, और अभी ये एंशिएंट बिल्डर्स या तो एकदम बिल्कुल खत्म हो चुके हैं या फिर ये लोग किसी कारण इस वर्ल्ड को छोड़कर कहीं और चले गए हैं। तो इस वाली वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और अगर आपको माइनक्राफ्ट के बहुत ही अजीबोगरीब सीट्स देखने हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करो, आपको मजा आ जाएगा।